हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर... जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका यूपी ट्रिपल एस एग्जाम के अगर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों DRDO की वैकेंसी आई हुई है और DRDO में दोस्तों जाना सबका ख्वाब होता है हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है हमारे मतलब प्रेरणा स्रोत, आप जानते ही हो क्या कहना चाहता हूँ, कलाम साहब जी इसी DRDO संस्था से कई सालों तक दोस्तों जुड़े रहे। शुरू से लेकर दोस्तों उन्होंने वैकेंसी में काम करना शुरू किया और अंत तक जब तक वो मतलब सीमा पे थे, मतलब जब जाने वाले थे भगवान के पास, तब भी दोस्तों वो उस पोस्ट पे ही रहे और उस संस्था का मान बढ़ाया। तो दोस्तों आप भी जा सकते हैं उसी संस्था में, ये गौरव का विषय है। ठीक, अगर आपने ढंग से BSc MSc या जो भी दोस्तों मैं आपको अर्हता बताने वाला हूँ, आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो आप दोस्तों कृपया निवेदन है फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्या भर्ती आई है क्या आपको बताते हैं। पहली बात दोस्तों ये जो भर्तियां हैं ये 494 पोस्ट के लिए हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। ये नाम जैसे सुन रहे हो वैसा है नहीं, और कई क्राइटेरिया हैं, कई फॉर्म अलग अलग प्रकार के आए हैं, अलग अलग चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक, अगला दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कार्डर। ठीक दोस्तों, ये पहली बात ये जो पेपर होगा दोस्तों दो भागों में बटा रहेगा, Tier 1 Tier 2। ठीक, और वेबसाइट दोस्तों अनाउंस भी हो चुका है और इसका जो अंतिम तिथि है वो 29 तारीख है। और ये ना भूलिएगा कि जो अक्सर वैकेंसी आती रहती है, जैसे SSC GD का आया तो सर्वर हाई मतलब वो हो गया, क्या नाम है, लोड नहीं संभाल पाया तो क्रैश हो गया, तो ये सब इसमें नहीं होगा दोस्तों। आपको 29 तारीख लास्ट डेट है, तो शाम को 5 बजे आपका समय ख़त्म, आप भर पाए चाहे नहीं भर पाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आगे है। तो इसमें दोस्तों एग्रीकल्चर पहला है, एग्रीकल्चर से आपने अगर डिग्री किया हो तो आप भर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है दोस्तों ऑटोमोबाइल पे, अगर आपने 3 ईयर का कोई डिप्लोमा किया हो तो वो भी कर सकते हैं। बॉटनी के लिए दोस्तों है बॉटनी BSc डिग्री, बॉटनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आपने BSc किया हो बॉटनी से तो आप इस पद के पात्र है। देखिए दोस्तों सीट बहुत कम कम है लेकिन कुछ कुछ सीटें ज़्यादा है, जैसे कंप्यूटर साइंस में देखिए BSc डिग्री, 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड है, और अगर आपने BTech किया हो, MCA किया हो, BCA किया हो तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, BCA नहीं है, MCA नहीं, और DOEC द्वारा ओ लेवल नहीं है, समझ रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है आप BSc डिग्री किए हों कंप्यूटर साइंस से, साफ साफ मांग लिया BSc किया हो आपने। अगला है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 16 पोस्ट है इसके लिए दोस्तों। इसको दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर क्लिक कर लीजिए, आपको अच्छी अच्छी वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक, जियोलॉजी दोस्तों जियोलॉजिकल के लिए है। ऐसे दोस्तों कई वैकेंसी के आई हुई हैं, डिग्री फॉर साइंस, देखिए लाइब्रेरी साइंस जिन्होंने डिग्री किया हो या डिप्लोमा किया हो, 2 साल का होता है, 3 साल का अगर आप इंटर के बात करते हैं तो 3 साल का, अगर आप BSc की बात करते हैं तो आपका 1 साल का, अगर आपने वो किया है तो 11 पोस्ट है दोस्तों, आप भर सकते हैं उसमें। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों जो BSc किया हो मैथमेटिक्स से ढंग से दोस्तों पढ़ना इसमें बहुत अच्छा होता है पेपर, ऐसा नहीं कि बस हलवा आएगा। ठीक, तो दोस्तों ये पूरे क्राइटेरिया है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो फॉर्म जरूर भरिएगा दोस्तों, ये सम्मान का विषय है, गौरव का विषय है। ठीक, अगर आपके पास ज्ञान है तो, और नीचे दोस्तों देखा देख लीजिए पूरा वो दिया है कि क्या क्या आएगा, क्या टर्म कंडीशन है, ठीक, पोस्टिंग कैसी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, एज लिमिट देखिए पैरा जब आएगा एडवर्टाइजमेंट तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा। ठीक, और फोटो तो दोस्तों वही है, जानबे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग आपको मतलब कहाँ कहाँ सेंटर आपको मिल सकते हैं, एलोकेट हो सकते हैं, तो आगरा लखनऊ भी आपका होगा, लखनऊ भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जिसका जो दोस्तों लगे अच्छा वो भर दे। पेपर का दोस्तों मॉड्यूल क्या है देखिए, पहला आपका CBT फॉर स्क्रीनिंग, मतलब आपका पेपर होगा उसमें आएगा क्वांटिटी, मतलब वो आएगा तर्कशास्त्र आएगा, और जनरल इंटेलिजेंस मतलब GS रीजनिंग,
और जनरल अवेयरनेस एयर इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, अगर आपको बेसिक नॉलेज इंग्लिश की है तो आप मतलब फॉर्म डालिए, उसका पेपर आएगा। ठीक, ड्यूरेशन क्या होगा दोस्तों, 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर भी 150 नंबर का रहेगा, उसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। अगला दोस्तों है जो CBT या प्रोविजनल सिलेक्शन टेस्ट स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट ऑफ द पोस्ट कोड। जैसे शुरुआत में दोस्तों सबके लिए पेपर एक ही होगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा, जैसे आपने ये भरा है ऑटोमोबाइल, आपने एग्रीकल्चर भरा है, तो उस जो विषय रहेगा दोस्तों उससे स्पेशल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ 100 नंबर के। ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। आगे दोस्तों मैं इसका PDF फाइल आपको मैं सेंड कर दे रहा हूँ नीचे टेलीग्राम लिंक पे, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और 1-2 दिन आराम करके 4 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएगा, आप भर भी सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।